उपमंडल पिछाद के जामन की सैर में आयोजित दो दिवसीय मां भगवती मेला धूमधाम से मनाया गया। इस मेले का विधिवत समापन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक रीना कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रही। सुरेश कश्यप ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान है। यहाँ पर आयोजित होने वाले मेले, त्योहार और उत्सव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मेले हमारे जीवन में हर्ष, आनंद, उमंग, उल्लास, प्रेम, शांति, संतुष्टि तथा खुशियों का संचार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम के नेतृत्व में हिमाचल विकास की बुलंदियों को छू रहा है। डबल इंजन की सरकार से यह संभव हो पाया कि आज बिलासपुर में एम्स खुल गया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पछाड़ के सराह में एसडीएम कार्यालय हमारी सरकार द्वारा खोला गया, जिससे अब यहां के लोगों को राजगढ़ नहीं जाना पड़ता। अब सराह क्षेत्र में दो ही डिग्री कॉलेज हो गए हैं, जिसमें सराह में पहले ही कॉलेज चला हुआ है। आज ही कैबिनेट में नारक कॉलेज को खुलने की स्वीकृति मिली है। वहीं इस अवसर पर कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष बलदेव भंडारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश नेहरू, एसडीएम पछाड़ डॉक्टर संजीव धीमान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नान विधानसभा क्षेत्र में अनेक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ हमारे सम्माननीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता जी, मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण आज यहां पर विराजमान हैं। मैं समझता हूं अनेक योजनाएं, जिसमें अभी हमने जो ये बहुत लंबे समय से बनोग धार क्यारी सड़क की मांग चली आ रही थी और विभिन्न किस्म की अड़चने इसमें थी, उन सब को दूर करके विशेष रूप से डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहाँ के विधायक हैं, जो प्रयास उन्होंने किए उसका नतीजा है कि आज इस क्षेत्र की लंबे समय से जो चली आई मांग थी उसको पूरा किया गया और उसके प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। इसी प्रकार से अभी वार्ड नंबर 2 में एक सामुदायिक भवन जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है और अनेक ऐसे कार्यक्रम आज नाहन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी दोनों सरकारों का, डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी का, माननीय जयराम ठाकुर जी का, और विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी और नाहन के समस्त वासियों को कि जिस प्रकार का ऐतिहासिक विकास पिछले 5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मैं समझता हूँ, हम सड़कों की बात कर लें, पीने के पानी की जो पुराने लंबे समय से मांग चली आ रही थी, नाहन वासियों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ता था, उस मांग को पूरा करने की हम बात करें, इस क्षेत्र में बिजली की जो समस्या थी उसको दूर करने की हम बात करें, शहर के सौंदर्यकरण की हम बात करें, मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कमी यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। आज नाहन विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के, मैं कहना चाहूँगा कि विकसित जिसको हम विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं उसमें प्रथम स्थान पर आता है, ऐसा मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार से विकास यहाँ पर हुआ है, हम जानते हैं लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के समय में कई लोग यहाँ से जीत कर जाते रहे, लेकिन जो कुछ होना चाहिए था, जो मूलभूत सुविधाएँ थी वो पूरी नहीं की जा सकी। लेकिन चाहे पिछले 5 वर्षों की हम बात करें, जिस प्रकार का संघर्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का रहा, या इन 5 वर्षों में जिस प्रकार से माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से विकास इस क्षेत्र में हुआ है।